का चंदा लिया और पूरे देश की जनता को कोविशील्ड लगवा दिया, जिससे कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी चीज हो रही है। इसे कहते हैं अपना काम बनता। अच्छा, 150 करोड़ चंदा लिया एयरटेल से, और जो 5G का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है नेट का, वो बिना ऑप्शन के दे दिया। अपना काम बनता। वैभव जी देखिए, बड़ा सवाल तो यही है ना, बहन में कम्प्लीट करते नहीं, बड़ा सवाल एक बार आप सुन लीजिए, बड़ा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया है, ठीक है, मान लेते हैं बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन जनता तो बेवकूफ नहीं है, सब कुछ देख रहे, बावजूद इसके कांग्रेस भी कहाँ मजबूत हो पा रही है। अरे बहन, आपको जनता में बदलाव की लहर है, आप बात समझ ही नहीं रही है। समझाइए, बात पूरा करने दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का हर वादा झूठा निकला है, चाहे वो 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात हो, किसानों की MSP की गारंटी की बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, हर मुद्दे पर ये सरकार 10 साल में विफलता ही इसके हाथ लगी है। क्योंकि ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं तो महिला सुरक्षित कैसे होगी, किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय 16.5 लाख करोड़ ये कारोबारियों का 10 माफ कर देते हैं तो किसान की हालत कैसे ठीक होगी, युवाओं को रोजगार देने की बजाय इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना लॉन्च कर दी, इसको युवा विरोध कर रहे हैं लेकिन उनको विरोध नहीं करने दिया जा रहा है, तो नौकरी दी नहीं इन्होंने, लगभग 10 सालों में कई लाख नौकरियों को इन्होंने रद्द किया है। अच्छा। मुझे 2018 का उनका वित्त मंत्री थे तत्कालीन जेटली साहब, मरहूम जेटली साहब, उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया कि 8.5 लाख पद हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में वो खाली थे, मतलब 14 से 18 चार साल इनकी सरकार थी, 3 साल से खाली थे, इस वजह से वो पद रद्द कर दिए। अच्छा सर, ये बताइए कोविशील्ड को लेकर जो ये स्थिति आप बता रहे हैं, भ्रम की स्थिति, जिसे हम, इससे आपको क्या लगता है, इससे जनता बरगल, आप जनता को बरगलाने वाली बात नहीं है, भ्रम की स्थिति नहीं है? नहीं, मैं आंकड़े हैं आपके पास इसे लेकर।